अब ये तो मैम के आशीर्वाद से कि लास्ट डेट पे हमने फॉर्म भरा, मैम ने बोला कि हम आए थे टॉपिक समझने के लिए, बट अलग ही टॉपिक हो गया मेरी लाइफ का पूरी। अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है पेरेंट्स को ऐसे खुश देख के। मैंने जब कैंपस पापा को पूरा विजिट कराया, एक अलग ही प्राउड मोमेंट था मेरे लिए कि हाँ, मेरी वजह से मैं अपने पापा को इतना बेंगलोर तक लेके आई हूँ। बहुत ज्यादा मेरे लिए तो बहुत वहाँ अच्छा। कैंपस में जॉब ऑफर भी हो? हाँ जी सर, उन्होंने हमें बोला है कि अगर हम जो हमने अभी काम किया है उसी एक प्रोजेक्ट पे हम आगे एमएससी के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मैंने पहले ही से बोला कि मैं सिर्फ एक क्लास के लिए मैम से पूछने आई थी। दो लड़के फॉर्म भर रही थी सेकंड ईयर की, मैम बोला तू भी भर दे फॉर्म। तो मैंने ऑन द स्पॉट घर से सारे डॉक्यूमेंट्स मंगवाए, फोटो कॉपी करवाई और फॉर्म हाथों हाथ मैंने भर दिया। वहाँ पे 4 बजे तक हम कॉलेज में बैठे रहे और सारा फॉर्म भर के ईमेल डाल के सबको, और फिर हमारा सिलेक्शन हो गया। बहुत अच्छी बात, मुझे बहुत खुशी हो रही है इस बात की कि मेरा भी सिलेक्शन हुआ। कल्चर को बचा सके और इसके लिए कई सारे मेथड्स होते हैं। उनका कलेक्शन होता है, पिनिंग होता है, प्रिजर्वेशन होता है, क्यूरेशन होता है, और उसके बाद में जो सिमिलर स्पीसीज दिखती है, जो जिनके एक्सटर्नल कैरेक्टर सिमिलर होते हैं, तो उनके एक्सटर्नल कैरेक्टर से जब हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, तो उनके बहुत सारे प्रोसीजर होता है, अच्छे से उनको करना होता है ताकि उनके इंटरनल कैरेक्टर को डिफाइन कर सके कि जो भी प्रोडक्ट के लिए आइसोलेटेड है जो स्पीसीज, तो उसको हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सके उसके कैरेक्टर को देख के। टेस्ट के लिए, कलेक्शन के लिए भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं, जैसे स्ट्रिप नेट है, और ये जो उसका लार्वा लार्वल स्टेज है उसकी जो यंग और स्मॉल लीफ को प्रिफर करता है एज अ फीडिंग के लिए, और फीडिंग के बाद में वो जब बड़ा हो जाए तो उसमें एडल्ट से जो उसको देखे करते हैं उसमें उसकी जो विंग स्पान है, उसका जो कैसे हम उसको उसकी जो सिमिलर स्पीसीज कर सकते हैं, स्पीसीज है जो वो बहुत सिमिलर दिखती है एक दूसरे से, लेकिन हम उसको सिर्फ उसके इंटरनल कैरेक्टर्स देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और जितनी उसमें जो नॉन टॉक्सिक और टॉक्सिक को करते हैं, और जो मेडिसिन में उसमें टॉक्सिक और टॉक्सिक से एक दूसरे से इम्यूनिटी करते हैं, और उसका ये जो इंटरनल कैरेक्टर्स है, जैसे ये इसका इडिडस है, इसका डॉर्सल, चेहरे की मुस्कान बढ़ गई है। ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा बहुत बड़ा अचीवमेंट था मेरे लिए, मेरी लाइफ का अभी तक का, क्योंकि मैं यहाँ से अब मेरी आगे स्टडी का सफर शुरू हुआ है कि मैं अच्छे से आगे कर सकती हूँ। अभी मैंने 2 महीने तक समर वैकेशन में NCBS नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज बेंगलुरु कर्नाटक से 2 मंथ का इंटर्नशिप कम्प्लीट किया है अपना रिसर्च के लिए, और ये DST डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने, जिन्होंने कार्य फेलोशिप के थ्रू बाड़मेर से मतलब राजस्थान से स्टूडेंट्स को चुना कि वो आगे जाके रिसर्च के लिए बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जाके रिसर्च के लिए सीख सकते हैं। ये हमारा जो मैंने वहाँ जाके सीखा वो एक लर्निंग प्रोसेस है कि आगे रिसर्च कैसे होती है, तो वो जाके मैंने बहुत अच्छे से सीखा। तो 2 महीने आपके रिसर्च का टॉपिक क्या रहा, किस तरह? मेरा जो मेन टाइटल था मेरे प्रोजेक्ट का वो फ्रॉम फील्ड टू म्यूजियम, लेपिडोप्टेरन पेस्ट को आइडेंटिफाई करना, मेथड और कलेक्शन, जो उनके मेथड है कलेक्शन, क्यूरेशन, प्रिजर्वेशन, इन सब का यूज करके हम एक पर्टिकुलर स्पीसीज को आइडेंटिफाई करते हैं, ताकि हम उसके जो वो पेस्ट है वो हमारे क्रॉप और एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, तो उससे हम अपना एग्रीकल्चर और क्रॉप को बचा सके। उनके लिए हमने उससे काम किया है, उसको देखा कि वो कैसे अफेक्ट कर रहा है हमारे एग्रीकल्चर को, क्योंकि जो हमारे क्रॉप्स है उनका इकोनॉमिकल वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो इकोनॉमिक दृष्टि से भी अगर हम देखते हैं तो उसके लिए भी हमें उनको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाखों स्टूडेंट थे, सिर्फ 4 का सिलेक्शन हुआ। जी सर, अब ये तो मैम के आशीर्वाद से कि लास्ट डेट पे हमने फॉर्म भरा, मैम ने बोला कि हम आए थे टॉपिक समझने के लिए, बट अलग ही टॉपिक हो गया मेरी लाइफ का पूरी। अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है पेरेंट्स को ऐसे खुश देख के। मैंने जब कैंपस पापा को पूरा विजिट कराया,
एक अलग ही प्राउड मोमेंट था मेरे लिए कि हाँ मेरी वजह से मैं अपने पापा को इतना बेंगलोर तक लेके आई हूँ, बहुत ज्यादा मेरे लिए। वहाँ कैंपस में जॉब ऑफर भी है? हाँ जी सर, उन्होंने हमें बोला है कि अगर हम जो हमने अभी काम किया है उसी एक प्रोजेक्ट पे हम आगे एमएससी के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं, और अगर हमें यहाँ से अभी इससे ही नहीं, अगर हमें वहाँ एमएससी आगे एमएससी करनी है, पीएचडी करनी है, तो हम वहाँ जाके अप्लाई कर सकते हैं, और इसके लिए जेजी मेन्स का एग्जाम होता है, और नेट क्वालिफाई करके भी हम वहाँ पर जाके एमएससी वाइल्ड लाइफ में भी कर सकते हैं, और ऐसे भी एमएससी और पीएचडी कर सकते हैं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मैंने पहले ही बोला कि मैं सिर्फ एक क्लास के लिए मैम से पूछने आई थी, दो लड़के फॉर्म भर रही थी सेकंड ईयर की, मैम बोला तू भी भर दे फॉर्म, तो मैंने ऑन द स्पॉट्स घर से सारे डॉक्यूमेंट्स मंगवाए, फोटो कॉपी करवाई और फॉर्म हाथों हाथ मैंने भर दिया। वहाँ पे 4 बजे तक हम कॉलेज में बैठे रहे और सारा फॉर्म भर के ईमेल डाल के सबको, और फिर मतलब हमारा सिलेक्शन हो गया। बहुत अच्छी बात, मुझे बहुत खुशी हो रही है इस बात की कि मेरा भी सिलेक्शन हुआ, और सब विमला मैम की वजह से है। बाड़मेर से बेंगलोर तक का वो कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा, और बहुत थोड़ा सा मुश्किल भी था क्योंकि पेरेंट्स को कन्विंस करना, मैं अभी कभी बाड़मेर से बाहर नहीं गई हूँ और फर्स्ट टाइम मैं बेंगलोर जाके आई। मेरे मम्मी को उन्होंने कन्विंस किया, घर वालों को, और सबको बहुत प्राउड मोमेंट फील हो रहा था कि हाँ हमारी हमारे समाज से एक लड़की बाहर जा रही है और कुछ सीख के आ रही है। रूटीन बहुत अच्छा था वहाँ पे, जैसे सुबह हम 8 बजे उठते वहाँ पे ना, सब फिक्स था, 8:30 से 9:30 तक नाश्ता, सुबह 1 घंटा, शाम 1:30 से 2 बजे तक का हमारा लंच, और फिर डिनर 7:30 से 8:30 बजे तक डिनर। तो बहुत सब टाइम टेबल के हिसाब से सब पंचुअल थे वहाँ पे, तो हम 8 बजे उठ के नाश्ता करके, और 9 बजे से 7:30 कभी बज जाते, तो हमारा लैब में सारा दिन गुजारा वहाँ पे। बहुत कुछ अलग अलग चीज़ें सीखी, सिर्फ प्रोजेक्ट भी नहीं, कैसे बोलते हैं, क्या इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट जो भी हमारा कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाते हैं, और बहुत कुछ हमने सीखा वहाँ पे प्रोजेक्ट के अलावा भी। घर वालों को कितना गर्व हुआ? बहुत गर्व हो रहा है सबको, अभी भी बहुत सब मतलब फ़ोन कर रहे हैं, बधाइयाँ दे रहे हैं, सबने कॉल किए, जब मेरा जब अखबार में फ़ोटो आया तभी सभी ने बहुत फ़ोटो वाला क्या सबने कॉल्स किए कि आप बधाई हो सब, तो बहुत अच्छा फील हो रहा है सबको बहुत ज़्यादा।